हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके डेली की तरह आ गई हूँ। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान के अधिकांश रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो जिसका 7वां 8वां वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि बिहार स्टेट का एग्जाम 9 तारीख 9 को होने वाला है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज सभी MCQs दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। थ्योरी सेशन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि सभी थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एंड इसके अलावा आपका MP TET का एग्ज़ाम के बाद वर्ग 2-3 का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ना तो नोटिफिकेशन आया है, बट प्रिपरेशन करके रखिएगा। जब भी आए आपका उसमें सीट पक्का होना चाहिए। एंड आप UP TGT, UPLT ग्रेड, अदर स्टेट की TGT PGT किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कंटेंट अवेलेबल है। चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज थ्योरी वीडियोज या ऑनलाइनर क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, सभी चीज़ें अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और अध्ययन कीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है अभिकथन से रिलेटेड। क्रीड़ा एक व्यवहार है जो मौज मस्ती के मनोरथ से किया जाता है, और इसके उपयोगिता संबंधी अमूर्त उद्देश्य मस्तिष्क में नहीं होते। तो ये तो गलत लग रहा है। तर्क आर देखते हैं। क्रीड़ा में अपनी अतिरिक्त ऊर्जा और अपने कौशल का पूर्वाभास नहीं करने देता है, और न ही चिंता को कम करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट दिया है, ये गलत है तथा आर सही है। तो यहाँ पे मुझे तो दोनों से गलत लग रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट दिया है, ये गलत है बट आर सही है। आपको कौन सा सही है ये आप करिएगा, लेकिन मुझे तो दोनों गलत लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने की गति उस सीमा से पार चली जाती है जहाँ से आगे सुधार होना असंभव होता है। उस स्थिति को तकनीकी रूप से क्या जाना जाता है? तो दोस्तों, उस स्थिति को हम कहते हैं प्लेटू, यानी सीखने में पठार बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सम क्षेत्र यानी प्लेटेन। यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि सीखने के वक्र के 3 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, मिश्रित, उसके अलावा एक होता है पठार। ऋणात्मक में क्या होता है कि आरंभ में सीखने की गति जो है तीव्र होती है, बाद में मंद होती है। धनात्मक में आरंभ में मंद होती है, बाद में तीव्र होती है। मिश्रित में किसी भी प्रकार का ले सकता है, यस टाइप उसे बोला जाता है। उसके बाद एक ऐसा समय आता है सीखने के वक्र के में पठार में, उस अवधि को दर्शाया जाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती, कुछ समय के लिए रुक सी जाती है और रुकता हुआ दिखाई देता है। वक्र की रेखा जो है नीचे ऊपर न जा करके एकदम सीधे सपाट जाती है, उसे प्लेटू कहते हैं। एंड यहाँ पे क्या सम क्षेत्र या प्लेटिन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतों का वहन करना तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है? तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, वह कहलाता है सीखने का स्थानांतरण, यानी पहले से सीखे हुए ज्ञान का नए कार्य सीखने में वो मदद करे आपका या प्रभाव डाले, तो वो सीखने का स्थानांतरण होता है। ये 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण एंड शून्यात्मक स्थानांतरण। यदि पहले से अर्जित ज्ञान आपको नए क्रिया सीखने में सहायता कर रहा है तो सहायक स्थानांतरण, अगर बाधा डाल रहा है तो नकारात्मक स्थानांतरण। न ही बाधा डाल रहा है नए कार्य सीखने में पहले का ज्ञान, और न ही सहायता कर रहा है, इस कंडीशन में वो शून्यात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कि बेसबॉल में उपयोग की जाने वाली कलाई की हरकतें हैंडबॉल में भी सहायक होती है, यहाँ पे सहायक स्थानांतरण हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रम से आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है? तो किससे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, निपुणता, यानी किसी भी कौशल में आप निपुण हैं, तकनीकी कौशल सीखे हैं, व्यूहरचना तुरंत परिस्थिति के अनुसार युक्ति जानते हैं, तो आप खेलों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो निपुणता, तकनीक, व्यूहरचना, युक्ति, ये आपको आना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच कहलाता है। तो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच को कहा जाता है
प्लाज्मो इफेक्ट, क्या बोला जाता है? प्लाज्मो इफेक्ट, प्लाज्मो इफेक्ट जिसे प्रभाव मानवीय मानसिक क्षमता का हिस्सा है, जो यह रोगी को सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देता है। एक मरीज की परेशानी से कुछ राहत मिल सकती है जिसके लिए कोई चिकित्सा आधार नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के इकाई के हर प्रशिक्षण चरण में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन कहलाता है। तो हर समय समय पर मूल्यांकन करना, उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। और एक होता है वर्ष के अंत में, जैसे कि वार्षिक मूल्यांकन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। सबसे अच्छा रचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव को समझा जाता है। यानी कि अधिगम या सीखना प्रत्येक प्रशिक्षण चरण में शिक्षक द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हुए खिलाड़ियों के कौशल में सुधार लाने का प्रयास करता है, जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों का प्रदर्शन उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यास और त्रुटि अधिगम को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अभ्यास और त्रुटि अधिगम को कहा जाता है। स्व अधिगम, अपने आप से सीखना, गलती करो सीखो, ट्रायल इधर सिद्धांत, ठीक है। यानी समस्याओं को हल करने की एक मूलभूत विधि है। इसकी विशेषता यह है कि इनमें संभावित हल का तब तक बदल कर बार बार करने का प्रयत्न करता है जब तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से शिक्षित एवं सफल नहीं हो जाता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो वह क्या है? कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो वह सकारात्मक स्थानांतरण, क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण यानी सहायता कर रहा है। टेनिस खेल के दौरान खिलाड़ी अपने हाथों में रैकेट की प्रशिक्षण विधि को गोल्फ के खेल में स्थानांतरण करता है, वह और वही क्रिया में बॉल को हिट करने की ट्रेनिंग लेता है। परंतु इस प्रशिक्षण में कुछ रूप से सुधारात्मक रूप अपनाया जाता है जिन्हें सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों, जॉन डीवी प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, स्वास्थ्यवाद, प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, इतने नामों से जाना जाता है। तो ये वास्तविकतावाद के जनक हैं। किसके हैं? वास्तविकतावाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत के अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है तो वो है अधिगम सिद्धांत से अधिकतम संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है तो गेस्टाल्ट स्कूल। यानी कि अधिगम सिद्धांत से अधिकतम संबंधित स्कूल गेस्टाल्ट स्कूल है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 में किया गया। इस स्कूल में अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल दिया जाता है। यद्यपि सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं, परंतु संपूर्णता की विशेषताएँ अंश की विशेषताओं से भिन्न है। जैसे दोस्तों, एक खांडायक है का जो अनुबंध सिद्धांत है, उन्होंने अंश से पूर्ण पार्ट बाय पार्ट बांट करके सीखने को कहा, बट गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि संपूर्ण परिस्थितियों का पहले ऑब्जर्वेशन करो, सोचो, बुद्धि लगाओ, उसके बाद एकाएक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इस पर जोर देते हैं, संपूर्णता पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम का कोहलर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित की संबंधित है? तो अधिगम का कोहलर का जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि सीखना यानी कि इनसाइड थ्योरी इन्होंने दिया है, जो उन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानी कोहलर से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रायल एंड एरर द्वारा नहीं सीखता, बल्कि सर्वप्रथम वह अपनी मानसिक स्थिति, शक्ति, बुद्धि का प्रयोग करता है, उसके अनुसार समस्या की समग्र स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। जैसे इन्होंने कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, ऊपर केला लटका दिया था, नीचे एक टेबल रख दिया था और बहुत अपने कमरे की परिस्थितियों को समझ करके उस चिंपैंजी ने उस टेबल पर चढ़ के उस केले को प्राप्त कर लिया। फिर दूसरी स्थिति में उन्होंने किया कि केला को और ऊपर रख दिया और जमीन पर दो टेबल रख दिए और उस चिंपैंजी ने अपना दिमाग लगा करके उस टेबल के ऊपर टेबल रख करके उस केले को खा लेता है। फिर वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में कि अंदर एक छड़ी रख देते हैं और बाहर केले को रख देते हैं दूर, तो वो क्या करता है, परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके उस छड़ी के द्वारा उस केले को घिसका करके अपने पास ले आता है। बट एक और स्थिति में क्या करते हैं, केले को और दूर रख देते हैं और पिंजरे में जो वो होता है उसमें दो
छड़ी रख देते हैं और फिर उन परिस्थितियों का ऑब्जर्व करके वो चिंपेजी जो है दोनों छड़ी को आपस में जोड़ करके उस केले को अपने पास ले जाता है। यानी कि यहाँ पे बुद्धि को मेन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों सीखने का जो संज्ञानात्मक था उसको जिम पियाजे ने दिया था, बट यहाँ पे अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है डेसी ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन को टू से मिलाना है आपको। तो यहाँ पे स्किनर जी क्या दिए थे? सक्रिय अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। तो ए का वन हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? वन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है, ए का वन हो जाएगा। एंड अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आपको पता है। तो बी का थ्री हो जाएगा। एंड सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धांत दिया था, यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी, तो सी का फोर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया था, इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने भी दिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे इसका मिलान दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास यानी व्यायाम का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों है, बट प्रतिक्रिया का नियम आपका नहीं है। प्रतिक्रिया का नियम ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आप मिलान करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, यानी सीखना क्या है? सीखना जो है एक प्रभाव का नियम है। प्रेरणा के घटक क्या है? प्रयत्न और भूल है। ठीक है, हम प्रेरणा से प्रयत्न और भूल करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, व्यक्तित्व तो प्रयत्न भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बट यहाँ पे मिलान किया है प्रयत्न और भूल को प्रेरणा में। व्यक्तित्व को आपने दिया है यहाँ पे प्रयत्न की दिशा तथा तीव्रता। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल सिद्धांत दिया था, मेरे को लगता है यहाँ पे दोस्तों ऐसे हो जाएगा। सीखना आपका प्रभाव का नियम हो गया, प्रेरणा के घटक मेरे हिसाब से हो सकता है वन, प्रयत्न की दिशा एवं तीव्रता, एंड थॉर्नडाइक हो सकता है ट्रायल एरर फोर। अब व्यक्तित्व जो होता है मनोवैज्ञानिक मूल हो सकता है, ये आपका राइट मेरे ख्याल से होगा। आपको क्या लगता है? यहाँ ऑप्शन में कोई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सीखने की गामक अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो सीखने की गामक अवस्थाओं का सही क्रम है, सबसे पहले हम अपरिशोधित समन्वयों की अवस्था होता है, उसके बाद परिशोधित समन्वयों की अवस्था, उसके बाद स्वचालित। ठीक है, तो टू वन थ्री ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट हो दोस्तों, यहाँ पे आपको अभिकथन से रिलेटेड है कि अभिकथन ये है कि पर्यवेक्षण वह विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है जिसका मुख्यतः केंद्र विद्यार्थियों की सीखने की स्थितियों को सुधारना है। एकदम राइट है, राइट। पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन है, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि विद्यार्थियों को सीखने की स्थिति पर सुधार होना चाहिए। इसके संबंध में तर्क आ रहा है कि यह अच्छे प्रकार से सीखने का नियोजित कार्यक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? यहाँ पे दोनों सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा कि ए और आर दोनों सत्य है, ए आर की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे नीड अचीवमेंट थ्योरी जो है वह होता है वैयक्तिक एवं स्थिति परक तत्व, वैयक्तिक एवं स्थिति परक तत्व। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, यहाँ पे देखिए मिलान भी किया गया है। एट्रीब्यूशन थ्योरी आपका हो जाएगा सफलता तथा असफलता, एंड कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी आपका हो जाएगा उपलब्धि व्यवहार, एंड अचीवमेंट गोल थ्योरी हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी जो है आपका हो जाएगा उपलब्धि व्यवहार। ठीक है, एंड अचीवमेंट गोल थ्योरी जो है उपलब्धि लक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मिलान करना है।
दोस्तों प्रेरणा सिद्धांत ये आरोपण सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, यानी कि प्रेरणा सिद्धांत आरोपण सिद्धांत हो जाएगा। खेल सिद्धांत आपका है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसे सिग्मर फ्रायड ने दिया था। अधिगम सिद्धांत जो है वह सक्रिय सिद्धांत हो जाएगा, जिसे स्किनर ने दिया था, ठीक है। एंड व्यक्तित्व सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपका हो जाएगा, पर्सनालिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम अधिगम का गौण नियम है? दोस्तों थंडरेक ने सीखने का मुख्य नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम दिया था, जबकि आसन्न काल नियम यह गौण नियम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई मनोविज्ञान की विषय वस्तु को पहचान कर क्रम में लिखिए। तो दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले कहा गया आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो सबसे पहले थ्री हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। उसके बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान, तो फिर वन हो जाएगा। फिर इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, तो फोर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में कहा गया वर्तमान में इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, टू हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, यानी व्यक्तिगत अवरोध जो होता है वह पक्षपातपूर्ण होता है। व्यक्तिगत अवरोध जो है पक्षपातपूर्ण, एक का टू होगा। एंड शारीरिक अवरोध जो है वो अंतर लाता है। हैसियत संबंधी अवरोध जो है वो परस्पर संबंध को बिगाड़ता है। भावनात्मक अवरोध जो है वह समझदारी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अधिगम जो निविष्ट का प्रतिफल है, सूचना की उत्तम प्रक्रिया जो कि निविष्ट तथा फीडबैक के संदर्भ में है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत। क्या कहलाती है? अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत, साइबरनेटिक शब्द का उपयोग लोगों के शासन को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटो में द अलसी बीज द्वारा स्वशासन के अध्ययन के संदर्भ में किया गया था। अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत नींव के साथ सीखने और शिक्षण का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको मिलान करना है, गर्ट्स मर्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इन्होंने जर्मनी को जिम्नास्टिक का पितामह भी कहा जाता है, तो ए का फोर हो जाएगा, ठीक है, ए का फोर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। एंड पर हैनिंग कौन थे? तो ये स्वीडन के थे, इन्हीं के नाम पर लिंगयार्ड उत्सव मनाया जाता है। एंड नील्ज, यहाँ पे नील्ज बुख कौन थे? तो नील्ज बुख जो है डेनमार्क के थे। एंड आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन इंग्लैंड के थे। सारी शिक्षा के इतिहास में मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अभिगतन ए है कि चयनित अवधान कौशल है, चयनित अवधान कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। सही बात है, एक अवधान मतलब एकाग्रता ध्यान होता है, जिसे सीखा जा सकता है। तर्क आर है कि निसंदेह कुछ खिलाड़ी चयनित अवधान की दृष्टि से अन्य की अपेक्षा अधिक बेहतर होते हैं। सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कौशल को अर्जित किया जा सकता है। तो दोस्तों बात तो दोनों सही है, बट तर्क आसन नंबर बी यहाँ पे राइट है कि ए आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है आपको कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, यानी कि फीडलर का आकस्मिकता सिद्धांत नेतृत्व से संबंधित है। व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वह किससे रिलेटेड है? व्यक्तित्व से संबंधित है। फीडलर का आकस्मिकता सिद्धांत नेतृत्व से संबंधित है, जबकि व्यवहार हमेशा व्यक्तित्व पर आएगा। विपर्यय सिद्धांत जो है वह संवेग से संबंधित है।
मनोविश्लेषण सिद्धांत खेल के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, अंतराभित्तिकों का विद्यार्थियों के लिए मूल उद्देश्य होता है। तो अंतराभित्तिकों का विद्यार्थियों के लिए मूल उद्देश्य क्या होता है? यह अधिगम अनुभव को खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदी और दर्शक दोनों में भाग लेने द्वारा सिखलाना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम किस प्रकार घटित होता है, इसका अध्ययन निम्न में से किसका प्रधान भाग है? तो दोस्तों, अधिगम किस प्रकार घटित होता है, इसका अध्ययन निम्न में से कौन किसका प्रधान भाग है? ये चारों भाग है, बट प्रधान भाग मुख्य भाग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तंत्रिका मनोविज्ञान एंड शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ पे राइट दिया हुआ है। तंत्रिका मनोविज्ञान एंड शैक्षिक मनोविज्ञान, तो यहाँ पे शैक्षिक तंत्रिका मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा कि अधिगम किस प्रकार घटित होता है, इसका अध्ययन इनमें से किसका प्रधान भाग है। तो ये चारों भाग हैं, पर प्रधान मुख्य रूप से तंत्रिका मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान आपका प्रधान भाग है। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले कार्य जो है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम मनोविज्ञान का होता है। किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो आप अपना माइंड लगाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो पहला काम कौन कर रहा है? तंत्रिका तंत्र ही कर रहा है, जो किसी भी क्रिया को देख कर उसका अनुसरण करने को तैयार करता है। उसके पश्चात उस प्रक्रिया की शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए, जिसे क्रिया को अधिगम करने में आसानी हो जाती है, तथा यह दोनों क्रिया आपस में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बिल्कुल तुरंत सीखी गई चीजें सबसे ज्यादा स्मरण रहती है, इनमें से संबंधित है। तो दोस्तों, तुरंत सीखी हुई चीजें सबसे ज्यादा स्मरण रहती है, वो आसन्न काल के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। किस नियम के अंतर्गत? आसन्न काल के। यानी कि आसन्न काल का नियम यह बताता है कि इस नियम में व्यक्ति के द्वारा क्रिया को सीखने की विधियों को स्मरण रखने तथा उस क्रिया को उचित समय पर उचित ढंग पर प्रयोग करना तथा उस क्रिया को विस्मरण करने की प्रक्रिया भी शामिल है, जो चीज़ों को याद रखने तथा भूलने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि तंत्रिका तंत्र तथा इसके कार्य के विषय में आधारभूत ज्ञान देने से शिक्षार्थी के यांत्रिक कौशल सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये बात तो सही है, ठीक। एंड इसका तर्क आर है कि यांत्रिक कौशल सीखना अधिक प्रभावी होगा यदि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि इसे सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त शक्ति की धारा, अतिरिक्त ऊर्जा, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया था दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर दिया था। ए का टू हो जाएगा, ए का कौन हो जाएगा? टू हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एंड पूर्वाभ्यास भविष्यदर्शी की धारणा किसने दिया था? कार्ल ग्रुस ने दिया था। बी का थ्री हो जाएगा। मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशन थ्योरी दिया था लॉर्ड केम्स एंड GW पैट्रिक ने, तो सी का फोर हो जाएगा। विरेचन धारणा कैथेटिक थ्योरी दिया था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने, तो डी का वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपका शारीरिक बाधाएं जो है एक दूसरे से दूरी करेगा, यानी कि आपका शारीरिक बाधाएं दूरी हो जाएगा, ठीक है। ए का थ्री हो जाएगा, ए का थ्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। एंड व्यक्तिगत बाधाएं जो है वह भिन्नता लाता है एक दूसरे में। भाषाई बाधाएं जो है समझ लाता है। एंड स्तरीय बाधाएं जो है वह वरिष्ठ छोटे बड़े में बांटता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तो दोस्तों, यह अधिगम खेल मनोविज्ञान के अधिगम टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस इसी तरह प्रैक्टिस करिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।